राजनीतिक दल जो है ना, कोई विरोध की बात ना होने से भी विरोध करते हैं, वो एक उनकी पॉलिसी है कि सरकार का विरोध ही करना। प्राइवेट स्कूल्स जो है, काफ़ी ज़्यादा जो स्कूल्स हैं वो कमर्शियल हैं, वो पैसे का लालच कर जाते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को सिर्फ असिस्टेंस दी है, एडिशनल लोन दे कर, लेकिन फाइनेंशियली हेल्प नहीं दी। HSADC से जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, कोई रिलैक्सेशन नहीं दी है। सरकार अनाउंसमेंट करती है कुछ पैकेज जो एक्चुअल इंडस्ट्रीज को बेनिफिट नहीं देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। समाज दिनेश के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंजीनियर बलबीर सिंह जी, जो कि अंबाला से हैं, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स से, स्टेट प्रेसिडेंट अकाली दल BC विंग की जिम्मेदारी भी हरियाणा से निभा रहे हैं। बलबीर सिंह जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू सर, थैंक यू। चूँकि आप स्टेट वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से हैं, तो सबसे पहला सवाल हमारा ये होगा कि इंडस्ट्री की जो अभी हालत है, ताज़ा हालात हैं, ना केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में, उसमें आपका क्या मानना है? किस तरह से अभी इंडस्ट्रीज हैं जो कि अब दोबारा कोरोना काल के बाद अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रही हैं? कोरोना काल में सबसे पहले जब संपूर्ण लॉकडाउन हुआ तो इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बंद थी। उन दिनों लगभग एक डेढ़ महीने के बाद जब रिलैक्सेशन हुआ, इंडस्ट्रीज दोबारा खुली, तो पब्लिक को जो इंडस्ट्रीज हैं उनको थोड़ी सी राहत मिली और उन्होंने फिर दोबारा से काम करना शुरू किया। लोगों को थोड़ा रिलीफ मिला, लेकिन बहुत प्रिकॉशंस के साथ वो लोग अपना काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे अगर कोरोना की हालत आने वाले समय में सुधरेगी तो इंडस्ट्रीज फिर दोबारा लाइन पे आ जाएंगी। जो ये पैकेज दिया गया सिंह साहब, इस पे जो केंद्र सरकार ने पैकेज दिया 20 लाख करोड़ का, जिसमें इंडस्ट्रीज को भी उन्होंने रखा और कहा गया कि लोन भी मिल ले सकते हैं, उसमें ब्याज दर भी कम होंगी या ना बराबर होंगी, तो उसमें क्या लगता है आपको, आने वाले समय में इंडस्ट्रीज को जो ये 3-4 महीने का लॉकडाउन था उसमें थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा, थोड़ा सर्वाइवल के लिए उनको थोड़ा हेल्पफुल होगा ये चीज़ें? जो मैं समझता हूँ, ये इसमें इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज लोन तो लोन है। गवर्नमेंट ने जो पैकेज दिया है वो इंडस्ट्रीज़ को लोन दिया है, लोन तो फिर भी देनदारी उनके ऊपर खड़ी रहेगी, कोई फाइनेंशियली असिस्टेंस नहीं दिया, खाली लोन दिया है, लोन तो वापस करना है, विद इंटरेस्ट वापस करना है। इंडस्ट्रीज अगर लोन को वापस नहीं करता है तो उसका अपना जो फाइनेंशियल स्टेटस है या जो मार्केट में उसका सिंपल का स्टेटस है वो खराब होता है। बेसिकली गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ को सिर्फ असिस्टेंस दी है, एडिशनल लोन दे कर, लेकिन फाइनेंशियली हेल्प नहीं दी। पूरे देश से कंपैरिजन अगर करें तो हरियाणा के इंडस्ट्रीज़ के अभी ताज़ा हालात क्या हैं इन 3 महीने के लॉकडाउन के बाद? इंडस्ट्रीज की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बिकॉज जब तक इंडस्ट्री कम्प्लीटली तब चलती है जब पूरी मार्केट खुली हो, बिकॉज उसने जगह जगह से रॉ मटेरियल परचेज करना है, फिर उसको फिनिश गुड्स करके भेजना भी है, तो ट्रांसपोर्ट भी चाहिए और दूसरा जहाँ पर भेजना है वहाँ पर भी चाहिए। जब तक कम्प्लीटली ओपन नहीं होता तब तक इंडस्ट्रीज की हालत तो मिलती जुलती रहेगी, बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं होगा उसको। पूरे देश में मजदूरों का पलायन पिछले 1 महीने में हमने देखा, एक देश से दूसरे देश में वो वापस अपने गांव और शहरों की तरफ जाते दिखे, तो ऐसे में हरियाणा में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, हालांकि हमें पता है कि मजदूर हरियाणा से भी बहुत ज़्यादा पलायन किए, तो ऐसे में अब जब इंडस्ट्रीज दोबारा खुल रही हैं तो क्या ये लेबर का भी, शॉर्टेज ऑफ लेबर का इशू भी आ रहा है आपको? नहीं, जो लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें प्रॉब्लम जरूर होगा, जो दूसरी इंडस्ट्री हैं जहाँ स्किल्ड वर्कर्स काम करते हैं, जो लोकल अपने एम्प्लॉयज़ भी हैं और जिसमें कुछ परसेंटेज जो है इंपोर्टेड लेबर या बिहार की लेबर या दूसरे स्टेट की लेबर, उनमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। जो लेबर ओरिएंटेड यूनिट्स हैं जिसमें लेबर बहुत हाई लेवल पर काम करती है, जैसे कोई कपड़ा इंडस्ट्री है या दूसरी इंडस्ट्री है, वहाँ पर जरूर उसका फर्क पड़ा है। HSIIDC ने कोई नया कोई पैकेज दिया हो या कुछ थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश की हो कोरोना काल के बाद इंडस्ट्रीज को? नहीं, HSADC से जहाँ तक मेरे को नॉलेज है कोई रिलैक्सेशन नहीं दी है, रादर जो बैंकों को बोला गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो, लेकिन HSADC ने वो भी कम नहीं किया है। अभी मैंने एक क्वेरी भी डाली है, हमारा जो उन्होंने कमेंट्स पूछे थे इंडस्ट्रीज़ के, उसमें मैंने ये दिया है कि HSADC को भी इंटरेस्ट रेट में कमी करनी चाहिए। पिछले दिनों इंडस्ट्रीज हरियाणा के चाह रहे थे कि हम सरकार से बातचीत करें और संवाद करना चाह रहे थे कि हमें सपोर्ट किया जाए, रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि हरियाणा अपने आप में अब जो करंट सरकार है, पिछले भी सरकार ने ये कहा था कि हम लोग यहाँ पे मेक इन इंडिया की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे और एक्सपोर्ट क्वालिटी मटेरियल तैयार करेंगे, तो ऐसे में अब सरकार को किस तरह से देख रहे हैं इंडस्ट्रीज, किस तरह से क्या आशा रखे बैठे हैं इस वक्त? जो मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्रीज़ के बीच में और सरकार के बीच में एक प्रॉपर तालमेल की ज़रूरत है, वहाँ पर कहीं ना कहीं कमी है। सरकार अनाउंसमेंट करती है कुछ पैकेज जो एक्चुअल इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट नहीं देती है। आई थिंक जैसे हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और स्टेट गवर्नमेंट में जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको इकट्ठे बैठ के कुछ ऐसी डिस्कशन करनी चाहिए जिसमें जो एक्चुअल जरूरतमंद इंडस्ट्री को उस चीज़ का फायदा हो और सरकार को भी नुकसान ना हो। सरकार अननेसेसरली कई बार पैसे
मार्केट में दे देती है, लगता है कि इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा, लेकिन इंडस्ट्रीज़ को वो फ़ायदा होता नहीं है। मेरे ख्याल से इंडस्ट्रीज़ को और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाइक जो संस्थाएँ हैं उनको आपस में बैठ के अच्छा एक तालमेल करके ही कुछ पैकेज के बारे में बातचीत करनी चाहिए। सिंह साहब, आप एक और जिम्मेदारी, बी सिंह वेंग अकाली दल से स्टेट प्रेसिडेंट हैं हरियाणा में। हाँ जी, थोड़ा कुछ बताएं इसके ऊपर कि अकाली दल ने अभी लास्ट विधानसभा इलेक्शन में अपने आप को ग्राउंड पे उतारने की कोशिश करी, लेकिन शायद धरातल पे स्थिति वो नहीं हो पाई जो शायद एक्सपेक्टेड थी हाईकमान की तरफ से। हाँ, उसके कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये पोजीशन हुई। हमारी इलेक्शन से 5-6 महीने पहले बड़ी अच्छी सिचुएशन थी, हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार थे, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार थे, पर कुछ आई थिंक जो अकाली दल में जो एडवाइज़र्स हैं जिन्होंने सलाह दी होगी हरियाणा की स्थिति को लेकर, वो शायद वो एडवाइस ठीक से नहीं कर पाए ताकि पार्टी सही मौके पर सही फैसला करती, उसकी वजह से हमारी ये प्रॉब्लम हुई है। और लेकिन अभी हमें दोबारा पार्टी जो है वो हल्लाशेरी दे रही है कि आप आगे बढ़ो, नेक्स्ट टाइम से हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब आपने बताया कि दोबारा से पार्टी की तरफ से आपको इशारा मिल रहा है कि आगे काम बढ़ाया जाए, तो किस तरह से आगे आने वाले समय में विधानसभा इलेक्शन में क्या अकाली दल? अभी हम अकाली दल के संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और मेरे को उम्मीद है कि नेक्स्ट इलेक्शन से पहले हम एक अच्छी स्थिति में फिर से आएंगे और फिर से इलेक्शन लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम चल रहा है? कार्यकर्ता को जोड़ने का काम कर रहा है। तो पूरे हरियाणा में किस तरह से आप देख रहे हैं, सभी की सभी सीटों पर आप अकाली दल चाहेगा कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े? नहीं, अभी हम क्या करेंगे कि जो एरिया में हमारे वोटर्स ज़्यादा हैं, जहाँ पर हमारा इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, हम खाली उन एरिया में कंसंट्रेट करेंगे। जिन एरिया में हमारी प्रेजेंस कम है उस एरिया में हम अभी जाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपना वजूद बनाने के लिए जो हमारे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें ज़्यादा हम जोर लगाएंगे ताकि उन्हें। एक साल होने को है सरकार को इस वक्त, जो गठबंधन की सरकार हरियाणा में है, किस तरह से देखते हैं आप? हरियाणा की गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ हैं, अभी रिसेंटली मैंने एक अपना इंटरव्यू में बोला था, जैसे अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसी लगाई कि किसान धान की फसल ना लगाएं, उनको 7,000 रुपये पर एकड़ दे देंगे, तो उस वक्त ही मैंने ये कहा था कि दिस इज़ नॉट गुड डिसीजन, ये अच्छा फैसला नहीं है, ये टैक्स पेयर्स की मनी को आप ऐसे बांटे जा रहे हैं, किसानों को जा रहे हैं, किसानों को कुछ और ऐसा प्रोत्साहन दें कि ताकि ऑटोमेटिकली वो समझ जाएँ कि हमें धान ना लगा के कोई दूसरी फसल लगानी है, तो अल्टीमेटली सरकार को वो फैसला वापस भी लेना पड़ा बाद में। तो मैं पूछता हूँ, बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जहाँ पर सरकार को बहुत तरीके से फैसला लेना चाहिए और कहीं पर सरकार चूक जाती है। कहीं ना कहीं सरकार की जो अभी कार्यप्रणाली है, विरोधी दल जो हैं कहीं ना कहीं अपना विरोध प्रकट करते आए हैं या सरकार के नाकामियों के बारे में बात करते हैं, अकाली दल भी कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है हरियाणा में? नहीं, हम अकाली दल जो सरकार के अच्छे काम हैं हम उनकी सराहना करना चाहते हैं, बाकी विरोधी पार्टियों की तरह से नहीं है कि जो भी सरकार का काम करे उसी का विरोध करना है। क्या इसका कारण हम ऐसा समझें कि पंजाब में गठबंधन है इसलिए हरियाणा में थोड़ा सॉफ्ट चला जा रहा है? वो बात नहीं है, हम हरियाणा की बात करते हैं, अपने जो हमारा एक काम करने का जो तरीका है उसकी बात कर रहे हैं। हम जो सरकार अच्छे काम करती है हम उसके लिए इसको अप्रिशिएट भी करना चाहते हैं, और जो काम अच्छा नहीं है हम उसके लिए सजेशन देंगे कि आप इसको और अच्छा ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जैसे कुछ और दूसरी पार्टीज हैं वो तो काम सरकार कुछ भी करे उसको उनको विरोध ही करना है, तो दैट वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं ये है कि अगर कोई गलती है तो हम हेल्दीली उस बात को प्लेटफॉर्म पे रखेंगे, पर विरोध उस तरह से प्रकट नहीं करेंगे जैसे राजनीतिक दल एक दूसरे किस तरह के प्रति करते हैं। राजनीतिक दल जो है ना विरोध कोई विरोध की बात ना होने से भी विरोध करते हैं, वो एक उनकी पॉलिसी है कि सरकार का विरोध ही करना, तो उसको मैं अच्छा नहीं समझता। सिंह साहब, आपने बताया कि आप स्कूल्स भी आप रन करते हैं, करीब अम्बाला में आपके स्कूल्स हैं, और अभी जो करंट सिचुएशन है स्कूल्स की जिनमें सरकार के आमने सामने हुए हैं स्कूल एसोसिएशन, कैसे देखते हैं आप इस मामले को? देखिए, स्कूल का जो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं अपनी जितनी मेरे को समर्थता है कहीं ना कहीं मैं चैरिटी करता हूँ, अपने फैक्ट्री के एम्प्लॉइज़ के साथ भी करता हूँ, और वैसे मार्केट में भी अगर कुछ मिलता है तो करता हूँ। उन चैरिटी की आदत की वजह से मेरे को जिम्मेवारी दी गई कि आप इन तीन स्कूल में, जहाँ पर जनरली चैरिटी एजुकेशन ही चलती है, कि इसकी आप जिम्मेवारी संभालो, जहाँ जहाँ हमें जरूरत पड़ती है, वैसे हमें बार बार आना पड़ता है, जब आपको नॉलेज में होगा तो हमें बार बार नहीं आना पड़ेगा, दिस में भी द रीज़न। तो वो हम स्कूल चला रहे हैं, वहाँ पर गरीब बच्चे हैं, जो बच्चे फीस नहीं दे सकते हैं या कम दे सकते हैं, हमने फीस भी बहुत कम रखी हुई है, तो जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है हम चैरिटी से पैसे इकट्ठे करके स्कूल की जरूरतों को पूरा करते हैं। अभी हमने स्कूल को अपग्रेडेशन करने के लिए रोटरी को भी रिक्वेस्ट किया है, दे हैव एक्सेप्टेड अवर प्रपोजल, कि स्कूल को भी थोड़ा बेटर बनाएंगे ताकि बच्चे आने वालों को हम अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। तो स्कूल की फ़ीस को लेकर या हमारा कुछ ऐसा कोई वो नहीं है स्ट्रिक्ट भी, इसको इतनी फ़ीस लेनी है, हमें बहुत कम नॉर्म रखे हैं फीस के लिए,
और जो बच्चे फीस नहीं दे सकते हैं हम उनको किसी दूसरे अच्छे आदमी से स्पॉन्सर भी करा देते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है सिंह साहब कि आप आज के समय में तीन तीन चैरिटेबल स्कूल्स चला रहे हैं, लेकिन उसके उलट जो स्कूल्स अभी विरोध प्रकट कर रहे हैं सरकार का या जो अभिभावकों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उनके प्रति आपको क्या लगता है कि उनको क्या रुख अख्तियार करना चाहिए इस वक्त? स्कूल्स का मैं देखता हूँ काफ़ी जो संस्थाएं हैं उन्होंने स्कूल को बेसिकली कमर्शियल बना रखा है। दे आर टेकिंग दिस एजुकेशन एज ए कमर्शियल बिजनेस। वो नहीं होना चाहिए। हमारे भी शहर में बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनको एक स्कूल बनाया, दो स्कूल बनाए, तीन स्कूल बनाए, वो दे हैव मेड उन्होंने एक टारगेट बना लिया है कि हमने पैसे इकट्ठे कर करके ये बनाना है। वेयर एज सरकारी स्कूल्स में भी अभी एज की डेट में पोजीशन बच्चों की बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट बहुत सहूलतें देती हैं। प्राइवेट स्कूल में भी हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए और गरीब बच्चों को भी एजुकेशन देने का ऐसा प्रावधान होना चाहिए। मैं आपकी बात काटना चाहूँगा यहाँ पे। सरकारी स्कूल की आपने बात कही, पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने एक यहाँ पे अनाउंसमेंट किया कि स्कूल्स अगर आपको TC नहीं भी देते हैं प्राइवेट स्कूल्स तब भी आप सरकारी स्कूल में आ सकते हैं और हरियाणा के किसी भी सरकारी स्कूल में आप अपने बच्चे को एडमिशन दिलवा सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कि उसके लिए TC आपको स्कूल दे ही दे, लेकिन उसके मुखर होके सरकार के खिलाफ स्कूलों ने मोर्चा खोल दिया। देखो ये सरकार का एक अच्छा फैसला है, क्यों? उनको पता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स वाले स्कूल की मैनेजमेंट है वो बच्चे को बाहर जाने से रोकने की हर उपराला करेगी, TC ना दो ताकि बच्चे एडमिशन ना लेंगे। ये सरकार ने बड़ा सोच समझ के अच्छा फैसला किया है और प्राइवेट स्कूल्स को इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप स्कूल बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा पढ़ेगा, बच्चे के एजुकेशन का खर्च नहीं होगा। प्राइवेट स्कूल्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा जो स्कूल्स हैं वो कमर्शियल हैं, वो पैसे का लालच कर जाते हैं, बच्चों की एजुकेशन की तरफ ध्यान थोड़ा कम देते हैं। सिंह साहब इसे देखा जाए तो आप, मैं स्कूल ओनर होने के नाते आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी जो करंट हालात बने हुए हैं, जिन हालात से अभी हर अभिभावक गुजर रहा है और स्कूल अभी बिल्कुल तत्पर हैं कि हमें फीस चाहिए ही चाहिए, उसके लिए वो हाईकोर्ट तक जाने को तैयार हो चुके हैं, तो ऐसे में आप क्या क्या लगता है आपको कि किस तरह से स्कूलों को देखना चाहिए सिस्टम? हर स्कूल का जो संस्था है उनकी अलग अलग अप्रोच है। मैं आपको एक बात और बता दूँ, आपने बोला कि स्कूल के ऑनर हैं, हम स्कूल के ऑनर नहीं हैं। स्कूल तो हमारा एक संस्था है, हमारे गुरु साहब के नाम से है। इसी वजह से हमने जो हमारे सिख धर्म के लोग हैं जो चैरिटी करना चाहते हैं, हम उनको ये बोलते हैं कि बजाय आप किसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए चैरिटी करो, आप एजुकेशन के लिए चैरिटी करो और जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उनको फैसिलिटी मिले, उनको अच्छी एजुकेशन मिले। आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट चैरिटी में रन कर रहे हैं बेसिकली? यस यस, वी आर जस्ट टेकिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द स्कूल फीस और टीचर्स की सैलरी में अगर कुछ पैसे कम पड़ते हैं तो वी कंट्रीब्यूट फ्रॉम आवर साइड। तो ऐसे में दूसरी तरफ कमर्शलाइज हो रहा है, जैसा कि आपने बताया कि स्कूल पूरी तरह से कमर्शलाइज। डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज हैं, हर एक सोसाइटीज का अपना एक टारगेट है। हमारा टारगेट बच्चों को एजुकेशन देना है, हमारा टारगेट कुछ पैसे कमाकर इकट्ठे करना नहीं है। जबकि हम ये भी है जो फीस उतनी ही लेते हैं जिससे स्कूल की टीचर्स की तनख्वाह दे सके। अगर स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करना है तो उसको हम सोचते हैं कि हम कहीं से डोनेशन लेकर या किसी दूसरी संस्था की हेल्प लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, बच्चों की स्कूल से पैसे लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर में ना लगाया जाए, ऐसी हमारी कोशिश रहती है। इंजीनियर बलबीर सिंह जी, आपने बताया हमें अभी पीछे डिस्कशन में कि आपका लेह लद्दाख में आपका एक पोस्टिंग था, BRO में आपकी जिम्मेदारी थी, काफ़ी अर्से पहले थी हालांकि। अभी जो ताज़ा हालात चल रहे हैं लेह लद्दाख के, तो मैंने सोचा कि आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि उन हालात को किस तरह से देखते हैं आप, क्या है वहाँ की ज्योग्राफिक कंडीशंस? लेह लद्दाख में देखो लिविंग कंडीशंस जो हैं बहुत ही टफ है, बहुत ही हार्ड है। हमारी गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा वाला नहीं है जहाँ से वहाँ पर लिविंग कंडीशंस को हम थोड़ी बहुत ही कम्फर्ट में कर सकें। अगर कोई आदमी वहाँ गया हो, उसने देखा हो, हमारे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर वहाँ रहना एक बहुत बड़ी अच्छी अचीवमेंट है अगर आदमी को वहाँ सर्वाइव कर सकता है तो। क्लाइमेट कंडीशंस इतनी फ्रेंडली नहीं है, इतनी डिफ़िकल्ट हैं। अभी चलो थोड़ा कम्युनिकेशन हो गया है, कुछ साल पहले तो वहाँ कम्युनिकेशन भी नहीं था, एक बार आदमी पूरी परिवार के साथ कटअप हो जाया करता था। वहाँ पर रहने वाले आदमियों का बहुत हौसला है जो वहाँ रहते हैं। अभी अभी जो चाइना ने अटैक किया है वहाँ पर हमारे आदमियों का कुछ नुकसान हुआ है, बट मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं मिलजुल के उसको फैसला हल करेंगी, बिकॉज लड़ाई करना वहाँ पर रह के उस कंडीशन में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। हमारे, मैं ये नहीं कहता कि हमारे फौजियों का, हमारे जो फौज है उसका हौसला कम है, उनका हौसला बुलंद है। मैंने खुद देखा है डिफ़िकल्ट कंडीशंस में, -34 डिग्री टेम्परेचर में भी हमारे जवान जो है
हौसले से जाते थे, -34 तक जाता है टेम्परेचर सियाचिन ग्लेशियर्स के ऊपर। यस, आई हैव सीन द पीपल गोइंग इन द हेलीकॉप्टर टू द पावर कोर्सेस एंड देन कम बैक, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन आई हैव सीन। ग्रेट सिंह साहब, जाते जाते थोड़ा सा हमें ये गाइड करें इस बात पे कि आने वाले समय में इंडस्ट्रीज, खासकर मजदूरों को, क्योंकि वापस आना है, काम करना है, या चाहे स्किल्ड वर्कर भी है तब भी वो काफ़ी नंबर्स में होते हैं जहाँ बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, तो कोरोना काल में आगे सेफ्टी मेजर्स किस तरह से आप अपनी इंडस्ट्री में भी ले रहे हैं और किस तरह से आप सलाह देना चाहेंगे कि बाकी लोगों को भी इन नॉर्म्स पे चलना चाहिए कोरोना से बचाव के लिए? कोरोना से बचाव के लिए देखो, मैं अपनी इंडस्ट्रीज़ में क्या किया है, जैसे सरकार के इंस्ट्रक्शंस हैं, सैनिटाइज करवाना है, इंडस्ट्री को पूरी को सैनिटाइज करना है, और जो आने वाला बंदा है, वर्कर है, उसके हाथ सैनिटाइज करवाने हैं, थर्मल स्क्रीनिंग करनी है, और अंदर भी ऑफिस में, फैक्ट्री के अंदर भी कोशिश करना है कि बहुत ज़्यादा मौजूदगी लोगों की ना हो, जैसे लिमिटेड संख्या में। यस, हम 50% जो है मैन पावर के साथ हम इंडस्ट्री चला रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रोडक्शन थोड़ी कम होगी, कुछ दिन की प्रॉब्लम है, अगर ऐसी सिचुएशन आई है तो हमें एकदम से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सिचुएशन आने वाले समय में ठीक भी होगी। जैसा समय है हमें इंडस्ट्री को चलाना चाहिए और वर्कर्स की हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि इंडस्ट्रीज रुक नहीं सकती हैं, ये पहिया चलता रहना चाहिए। ये कहना था हमारे साथ मौजूद आज चर्चा में इंजीनियर बरबीर सिंह जी। फिर मुलाकात होगी किसी मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।